सर मैं एक चीज जो देखी है वो ये है कि फास्ट बोलर्स पर बहुत पैसा खर्चा गया, मतलब जो जेन्यून अच्छा फास्ट बोलर है उस पर बहुत पैसा खर्चा गया। आवेश खान 10 करोड़, हर्षल पटेल 11.5 करोड़, मतलब फ्रेंचाइजीज ये इस बात को रिकॉग्नाइज करती हैं कि T20 में अगर मैच जीतना है तो आपको विकेट लेने वाला फास्ट बोलर चाहिए। जो स्पिनर्स हैं उन पर पैसा खर्चा गया, ऑलराउंडर्स पर पैसा खर्चा गया, लेकिन स्पेशलिस्ट बैट्समैन, जो सिर्फ स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, उन पर इतना पैसा नहीं खर्चा गया। ये किस तरफ जा रहा है? अब मुझे लगता है कि इतने सारे सालों के बाद में फ्रेंचाइजीज की ये सोच है कि हमें अगर मैच जीतनी है तो फिर वो हमारे लिए बॉलर से जीत सकते हैं। और अगर आपने दूसरी बात देखी होगी कि दूसरे भी जो महंगे प्लेयर जैसे कि ईशान किशन, वो ऑलराउंडर है। जी ऑलराउंडर मतलब बिल्कुल वो विकेट कीपिंग करते हैं, तो मतलब जी दोनों तरफ से उनके पास दो फैक्टर्स रहते हैं। तो इसी की वजह से ऑलराउंडर और जो बॉलर्स है उनका जो पिछले 2-3 ऑक्शन में वो सबसे महंगे साबित हुए हैं, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है कि वो मैच को पलटाते हैं, जीत जीत सकते हैं।